पामिस्ट्री जो है बाकायदा एक इल्म है बाकायदा एक साइंस है रिसर्च है पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जाता है यकीन किया जाता है जैसे साइंस की रिसर्च है वैसे पामिस्ट्री की भी रिसर्च है तो कहते हैं हाथ की लकीरें बोलती हैं तो मैं एक तालब इल्म हूँ इसलिए इल्म सीखना मेरा शौक है जैसा कि आप नाजरीन जानते हैं मेरे अब तक हज़ारों लेक्चर्स यूट्यूब पर इल्म के हर मौजू पर आ चुके हैं तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मेरे नबी सल्ह वसलम ने फ़रमाया काल रसूलुल्लाह काला रसूल सल्ला वम तालाबिली फ़रीजमहदीद इम हासिल करो माँ की गोद से कबर तक दुनिया में आठ से नौ अरब की आबादी है लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तल बनाया है सात इकसाम के हाथ होते हैं नंबर एक एलिमेंट्री हैंड नंबर दो स्केल्ड हैंड जिसे मुरबा हाथ कहते हैं नंबर तीन फिलासफिक हैंड फलसफियाना हाथ भी कहते हैं नाटी हैंड भी कहते हैं नंबर चार कोनिक हैंड कोनिकल हैंड भी कहते हैं मखरूती हाथ भी कहते हैं कौनिक हैंड भी नाम है नंबर पाँच पर है स्पाचुलेट हैंड मजद हाथ ईजाद वाला हाथ नंबर छः पर है साइकिक हैंड नफ्सिया हाथ नंबर सात पर है मिक्स्ड हैंड मिला जुला हाथ भी कहते हैं मखलूत हाथ भी कहते हैं ये सात इकसाम के हाथ हैं थम है थम जो है ऊपर वाला हिस्सा विल होता है नीचे वाला लॉजिक होता है थम से भी आप इंसान की पहचान कर सकते हैं कि ये नौ आदमी है अच्छा आदमी है किस जहन का इंसान है फिर चार इकसाम की उंगलियां हैं नंबर एक जुपिटर फिंगर जिसे मुश्तरी वाली उंगली भी कहते हैं गुरु वाली उंगली भी कहते हैं नंबर दो सैटरन फिंगर जोहर वाली उंगली नंबर तीन सन फिंगर सूरज वाली उंग... उंगली नंबर चार जो है मरकरी फिंगर अतारद वाली उंगली बुध वाली उंगली फिर उंगलियों के तीन पोर हैं ये भी आप YouTube पर मेरी जुबानी आप सर्च कर सकते हैं नंबर वन पोर है टू है फ्री है फिर आपकी ये लाइफ लाइन है ब्रेन लाइन है लक लाइन है ट्रेवलिंग लाइन है मैरिज लाइन है और यूनियन लाइन है हाथ से सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं हाथ में जो है आठ इकसाम के उभार होते हैं फर्स्ट उंगली के नीचे जो है ये वाला उभार जो है इसे माउंट ऑफ जुपिटर कहते हैं मुस्तरी का उभार कहते हैं सेकंड फिंगर पर उभार जो है इसे सेटरन माउंट कहते हैं माउंट ऑफ सेटर्न कहते हैं थर्ड पर जो है माउंट ऑफ सन कहते हैं उंगली के नीचे जो उभार है ये वाला इसे माउंट ऑफ सन कहते हैं फिर फोर नंबर पर जो है ये लिटिल फिंगर जो है इसके नीचे माउंट ऑफ मरकरी कहते हैं अतारत का उभार कहते हैं ये चार उभार हो गए पाँचवा उभार जो है माउंट ऑफ वीनस जोहरा का उभार ये वाला उभार जो है ये जोहरा का उभार है ये इसके नीचे जो है ये वाली जगह जो है ये माउंट ऑफ मार्स वन भी कहते हैं माउंट ऑफ मार्स पॉजिटिव भी कहते हैं इसके सामने जो है बिल्कुल इसके सामने जो है ये माउंट ऑफ मार्स नेगेटिव कहते हैं ये उभार जो है ये माउंट ऑफ मून का उभार कहते हैं चांद का उभार कहते हैं तो आप यूट्यूब पर जो है मेरी जुबानी नेक्स्ट पमिस्ट्री पर, पर लेक्चर सर कीजिए और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए